वट आर री एंजाइम्स, इन्जाम्स री एंजाइम्स क्या होते हैं आप ज़रा याद करें प्रोसेस ऑफ रिथरोपॉइसिस रिथ्रोपाइसिस में हमारे पास प्रो मेगा ब्लास्ट होता है जो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है मेच्योर रेड ब्लड सेल में मेच्योर रेड ब्लड सेल से पहले एक स्टेज आती है जिसे हम क्या कहते हैं रेटिकुलोसाइट अब ये जो री मॉडलिंग एंजाइम्स हैं ना इनका काम क्या होता है डिग्रीडेशन एंड डिस्पोजल ऑफ रेटिकुलोसाइट ऑर्गेनालिस आपको पता है मेच्योर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता इसके अलावा और भी ऑर्गेनालिस नहीं होते क्यों नहीं होते ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके स्पेस हो तो अगर देखें तो जो री मॉडलिंग एन्जाइम्स हैं इनका काम क्या है कि जो रेटिकुलोसाइट में आर्गेलीस है ना उनको इन्होंने डिग्रेड कर, कर देना है डिस्ट्रॉय कर देना है रेटिकुलोसाइट ने कन्वर्ट होना है मिच्योर एरिथ्रोसाइट में ठीक है तो मिच्योर एरिथ्रोसाइट में कन्वर्जन से पहले जितने भी अर्गनालिस हैं रेटिकुलोसाइट में उनकी डिग्रेडेशन और डिस्पोजल किस का काम है री मॉडलिंग एंजाम्स का एग्जाम्पल है हमारे पास पायरीमीडाइन फाइव डैश न्यूक्लोटाइडेस इस इंजाइम ने क्या करना होता है इसने जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको मेचो जो रेटिकुलर साइड मेचोर हो रहा है ना उसमें से रिमूव करना होता है ताकि वो कंप्लीट मेचोर और में कन्वर्ट हो जाए